गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आपका सिलेबस है जिसमें हम ऑलरेडी सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। डेटा विजुलाइजेशन हमारा लास्ट टॉपिक है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास हम पूरा कवर कर चुके हैं। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट सेकंड सीबीएसई ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल ये आपका कम्प्लीट करा चुकी हूँ मैं। अगर आपको नहीं आपने अब तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखो एसक्यूएल की, मैं ऑलरेडी कम्प्लीट करा चुकी हूँ। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे करते हैं कि मैम एसक्यूएल की सीरीज़ कितनी देखें, तो मैं रेकमेंड करूँगी 12th के स्टूडेंट को पूरी 8 की 8 सीरीज़ देखनी है। एक जॉइंस वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, उसके अलावा आपको सारी सीरीज़ देखनी है, क्योंकि वो 12th के साथ साथ वो ये सोच के चल रहे हैं कि आपको 11th का सिलेबस आता है। अगर आपको 11th का सिलेबस नहीं आता है देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको 11th का सिलेबस भी एसक्यूएल का पूरा कवर करना है और 12th का भी पूरा कवर करना है। बिना 11th के सिलेबस के आप 12th में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। कंप्यूटर नेटवर्क्स में करा चुकी हूँ, सोसाइटल इम्पैक्ट्स में करा चुकी हूँ, और इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट के लिंक्स, और आप वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट वन देख लो। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास हमारे इतना सिलेबस है, जो बाकी का सिलेबस है वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। ये सारा सिलेबस मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप ध्यान से देखें, और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है आप दोबारा देख सकते हो। मैं इससे पहले भी पाइपलॉट कवर करा चुकी हूँ जिसमें मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने बहुत पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके विजिट करके देख सकते हो। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पाइपलॉट की मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुकी हूँ जो कि मेरे क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है। इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है? एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी जिससे कि हम प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ्स बना सकते हैं, दैट हेल्प इन विजुलाइजिंग फिगर। ठीक है, विजुलाइजिंग फिगर्स यानी कि जो भी हमारे चार्ट्स ग्राफ्स होते हैं उनको विजुलाइजिंग फिगर्स बोलते हैं। पाइपलॉट एक मॉड्यूल है, यानी कि मैटप्लॉटलिब का पार्ट कौन सा है? पाइपलॉट एक पार्ट है। विच सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ ग्राफ्स, जो कि काफ़ी सारे ग्राफ्स और प्लॉट्स हमारे सपोर्ट करता है और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। डेटा विजुलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि डेटा विजुलाइजेशन क्या है? ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का, जिसमें आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो थ्रू ग्राफ्स, चार्ट्स और मैप्स। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, ये आप हर जगह यूज करने वाले हो। इंपोर्ट पाइपलॉट एस पीएलटी, इसको समझ लेते हैं। देखो, मैटप्लॉटलिब तो लाइब्रेरी है जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इसी के थ्रू आपके सारे जो ग्राफ्स हैं वो प्लॉट होंगी। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट ये लिखना नेसेसरी है, क्योंकि पाइपलॉट मॉड्यूल यूज कर रहे हो आप मैटप्लॉटलिब का। मैटप्लॉटलिब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, उसमें भी एक पार्ट आप यूज करने वाले हो, दैट इज पाइपलॉट एज पीएलटी। देखो, एज एलियस नेम दे रहे हो, क्योंकि हर बार आप ये पूरा नहीं लिख पाओगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट मैटप्लॉटलिब, ये बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो आप उसके जगह कौन सा एलियस नेम यूज कर सकते हो? पीएलटी। कुछ बच्चे और भी कुछ यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे पीएलटी लेके चल रही हूँ, तो आप भी कोशिश करो कि आप पीएलटी लेके चलो, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब पर्पज़ ऑफ प्लॉटिंग, ये भी सीबीएसई के सिलेबस में था, तो मैं उतना ही करा रही हूँ जितना सीबीएसई के सिलेबस में था, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ। बुक में बहुत सारा कंटेंट है, आप अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप मेरे पहले की वीडियोस रेफर कर सकते हो, मैंने वहाँ पे सारे ग्राफ्स डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ पे जितना सीबीएसई का सिलेबस है मैं उतना ही डिस्कस करने वाली हूँ। डेटा विजुलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। एज ऑर्गेनाइजेशन नाउ अ डेज कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो, अब बिजनेस एक्टिविटीज़ में डेटा विजुलाइजेशन का क्यों काम है? क्योंकि देखो, काफ़ी सारा डेटा होता है, मिलियंस ऑफ पीपल का और या फिर लैक्स ऑफ पीपल का डेटा होता है, तो वो हम ऐसे पढ़ के नहीं देख सकते, तो उसको हम किसके थ्रू देखते हैं? डेटा के थ्रू, कि अच्छा ठीक है, ग्राफ्स में मेरी जो इंक्रीमेंट है वो कितनी जा रही है या डिक्रीमेंट कितना जा रहा है। तो ये चीज़ें हम किसके थ्रू देख सकते हैं? प्लॉटिंग के थ्रू। ठीक है, ऑल दिस कलेक्टेड होल्स की इनसाइट्स फॉर बिजनेस विजुलाइजेशन मेक दिस इनसाइट्स इजी टू इंटरप्रेट। मतलब कि इससे आप इजी इंटरप्रेट कर सकते हो, अच्छा ठीक है, मेरे जून मंथ की सेल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, जुलाई में मेरी सेल नहीं गई है सितंबर में। तो इस तरह से आप डेटा विजुलाइजेशन के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हो इजीली।
ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है, ठीक है? अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी प्लॉटिंग आ पाएगी। देखो, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला स्टेप होता है, कभी भी अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे पास नेसेसरी फाइल्स को इंपोर्ट करना, ठीक है? तो ये फाइल्स तो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है? इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT, ये आपकी मैंडेटरी फाइल है। नंपाई को कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इंपोर्ट करोगे, अगर आप रैंडम यूज़ कर रहे हो या कोई अदर फंक्शन यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज सिर्फ एक ये मैंडेटरी फाइल है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है? फिर स्टेप टू में जो भी डाटा आपको प्लॉट करना है आप उसको प्लॉट करोगे। आप वेरिएबल्स ले सकते हो अपने हिसाब से, एक्स वाई वी कुछ भी, ठीक है? वेरिएबल्स कैन बी एनीथिंग, कोई वर्ड हो सकता है, कोई एक सिंगल लेटर हो सकता है, एनीथिंग। और वेरिएबल्स यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू जब भी लगाओ तो आप डेटा जो प्लॉट कर रहे हो वो लिस्ट में होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते एक्स इक्वल टू 1 2 3, सिर्फ रैंडम 1 2 3 नहीं लिख सकते, आपको उसको एक लिस्ट में, ठीक है, एक जगह समराइज करके लिखना है कहाँ पे, लिस्ट में, वाई इक्वल टू 4 5 6। स्टेप थ्री में आप टाइप ऑफ ग्राफ्स, देखो आपको तीन ही टाइप के ग्राफ आपके सिलेबस में बचे हुए हैं, एक लाइन चार्ट, एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम। मैं यही तीनों डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है? अगर आप लाइन चार्ट बनाना है तो आपको आप लिखोगे PLT डॉट प्लॉट। अगर आपको बार ग्राफ बनाना है तो आप लिखोगे PLT डॉट बार। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आप लिखोगे PLT डॉट हिस्ट, ठीक है? उसके बाद आप उस ग्राफ को, जैसे आप हर चीज जब आप कमांड लिखते हो तो आप उसके लिए प्रिंट कमांड यूज करते हो क्योंकि आप डेटा प्रिंट करा रहे हो, बट यहाँ पे आपको ग्राफ प्रिंट कराना है, यानी कि ग्राफ शो कराना है, तो यहाँ PLT डॉट शो लिखोगे, फाइन। सिंपल लाइन चार्ट हम बना के देखेंगे। सबसे पहले मैंने वही नेसेसरी फाइल इम्पोर्ट की मैटप्लॉटलिब, फिर उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू दी, वाई की वैल्यू दी, और फिर PLT डॉट प्लॉट। सबसे पहले मैंने एक्स, पहला जो भी मेरा एक्सिस होगा वो मेरा एक्स एक्सिस होना चाहिए, ठीक है? दूसरा मेरा जो एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होना चाहिए। तो पहले में जो मुझे रखना था एक्स रखना था, तो मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू रखी, दूसरे में वाई एक्सिस की वैल्यू रखी, और फिर मैंने लिखा PLT डॉट शो। तो इस तरह का कुछ मेरा ग्राफ बन के आया, ठीक है? आपको ध्यान रखना है PLT का P हमेशा छोटा हो, अदरवाइज एरर आएगा। आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का काफी ध्यान रखना है, फाइन। प्लॉट का भी P स्मॉल होना चाहिए, शो का S स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं, तो अवॉइड दैट एरर्स, ठीक है? चार स्टेप्स में मैंने आपको एक सिंपल लाइन चार्ट बनाना सिखा दिया, अब इसमें हम और चीजें ऐड करना सीखेंगे। लेबल्स ऐड करते हैं हम, लेबल कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं एक्स वाई के। देखो, एक्स लेबल फॉर एक्स एक्सिस यूज करते हैं, वाई लेबल फॉर वाई एक्सिस यूज करते हैं। देखो, अब तक हमने इतना देखा, पहले फाइल्स को इंपोर्ट किया, फिर एक्स की वैल्यू लिखी, फिर वाई की वैल्यू लिखी, और फिर PLT डॉट प्लॉट लिख के एक्स वाई को प्लॉट कर दिया, ठीक है? अब मैंने क्या कर दिया, मैंने PLT डॉट एक्स लेबल ऐड किया, PLT डॉट वाई लेबल ऐड किया। एक्स लेबल का नाम मुझे क्या चाहिए, प्लॉट नंबर, और वाई लेबल का नाम मेरे को क्या चाहिए, इम्पोर्ट वेरिएबल्स। तो देख सकते हो जो एक्स एक्सिस है मेरी, वहाँ पे मेरा नाम क्या आ गया, प्लॉट नंबर, और जो वाई एक्सिस है मेरी, वहाँ पे मेरा नाम क्या आ गया, इम्पोर्ट वेरिएबल्स, ठीक है? और तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये दो लाइन्स ऐड की हैं, अदरवाइज मेरा ग्राफ पूरा सेम है, ठीक है? और ये दो लाइन्स क्या है, मेरे लेबल हैं, जो मुझे लेबल ऐड करने थे, तो उसके लिए मैं सिर्फ क्या लिखना है, PLT डॉट एक्स लेबल एक्स एक्सिस के नाम के लिए, और PLT डॉट वाई लेबल वाई एक्सिस के नाम के लिए। एडिंग टाइटल फॉर गिविंग योर ग्राफ अ टाइटल, अगर हमें अपने ग्राफ को एक टाइटल देना है, टाइटल यानी कि ये जो आपका न्यू ग्राफ एक टाइटल दिया हुआ है, ये इस तरह का टाइटल देना है, तो हम क्या करेंगे, देखो आपने फाइल्स इंपोर्ट की, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स वाई को प्लॉट किया, फिर दोनों को लेबल दिया, ठीक है? अब यहाँ पे एक और नई लाइन ऐड हो गई, दैट इज PLT डॉट टाइटल, और टाइटल आपने दिया न्यू ग्राफ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैंने वही लिखा है PLT डॉट टाइटल, और टाइटल का नाम, जो भी आपको टाइटल का नाम रखना है, ठीक है? जिस भी बारे में आपका ग्राफ है वो आप टाइटल ले सकते हो, और फिर लास्ट में PLT डॉट शो ग्राफ को शो कराने के लिए। एडिंग लेजेंड्स, लेजेंड्स आर यूज टू एक्सप्लेन वॉट ईच लाइन्स मीन्स इन द करेंट फिगर, यानी कि अब जैसे कि यहाँ पे दो कलर्स की लाइन है, बट मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट लाइन किसको इंडिकेट कर रही है और सेकेंड लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, तो उसके लिए हम लेजेंड्स यूज करते हैं, ठीक है? कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, अगर हमें लेजेंड्स ऐड करना है तो हम अपनी लाइन्स को नेम देंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, PLT डॉट प्लॉट लिख रहे थे और सिर्फ एक्स कॉमा वाई इतना लिख रहे थे, ठीक है? बट अब मुझे इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, वाई के बाद एक कॉमा लगाना है, लेबल लिखना है,
और फिर लाइन का नेम लिख देना है, जो भी आपका लाइन का नेम आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम दो लाइंस यूज कर रहे हैं, तो दोनों लाइंस के, अगर आप एक लाइन भी यूज कर रहे हैं आप उसको भी नाम दे के इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, हम इसको देखते हैं, प्रोग्राम को समझते हैं। अपने फाइल्स को इम्पोर्ट किया, एक्स वैल्यू दी, वाई वैल्यू दी, plt.plot प्लॉट किया, किसको, x और y को। अब उस लाइन को नाम देना है, जो भी आपने x y को प्लॉट किया उसका नाम देना है, तो आप लिखोगे लेबल फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक लाइन और प्लॉट कर रहे हो, आप मल्टीपल लाइंस प्लॉट कर सकते हो एक ही ग्राफ में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, x2, आप वेरिएबल्स के नाम कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ x और x2 लिया है, x2 y2, फिर मैंने इनको प्लॉट किया, plt.plot x2 y2, लेबल क्या रखा मैंने, सेकेंड लाइन, यानी कि लेबल मेरा रहा ये सेकेंड लाइन। फिर मैंने क्या किया, वही चीज़ plt.label और plt x label, plt.y label, plt.legend और plt.show। अब ये समझ लेते हैं कि ये दोनों लेबल यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये दोनों लेबल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखो, जो ये लास्ट वाले x label और y label हैं, इसकी वजह से तो ये नाम आ रहे हैं, ये आपका y label हो गया और ये आपका x label हो गया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लाइन, आपके जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो ये है और सेकेंड लाइन आ रही है वो ये है। ठीक है, और इसको जब शो कराना, देखो ग्राफ को शो कराने के लिए आप लिखते हो plt.show, तो ये जो इनर बॉक्स है इसको शो कराने के लिए आप लिखते हो plt.legend। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है वो देख लो, आपने यहाँ तो एक ये ऐड किया है लेबल फर्स्ट लाइन, ठीक है, अगला ऐड किया है लेबल सेकेंड लाइन, ठीक है, और अगला ऐड किया है आपने plt.legend शो से पहले। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर कि आप किसी भी लाइन को नाम कैसे दे सकते हो। ये लाइन के नाम हो गए और ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम हो गए दोनों। ठीक है, लाइन चार्ट देख लेते हैं। लाइन और प्लॉट चार्ट इज अ टाइप ऑफ प्लॉट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि लाइन चार्ट आप किस तरह से बना सकते हो इसमें देख लेते हैं। matplotlib.pyplot आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, देखो ये दोनों एक्स वाई एक्सिस की जगह लिया है, वीक समझ लो मेरा एक्स है और प्राइसेस मेरे समझ लो वाई है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि हम ये वेरिएबल के नाम है और ये कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वीक में वैल्यू है 1, 2, 3, 4, प्राइसेस में है 40, 80, 100, 50। फिर मैंने इसको प्लॉट किया, तो मैंने x को पहले लिखा, जो भी मुझे x पे चाहिए था उसको मैंने पहले लिखा, तो x पे मुझे वीक चाहिए और प्राइसेस पे मुझे y चाहिए, y एक्सिस पे प्राइसेस चाहिए। ठीक है, फिर मैंने उस लाइन का नाम दिया, क्या नाम दिया, प्राइसेस ऑफ द वीक, कि इस हफ्ते के प्राइसेस क्या हैं। फिर मैंने x एक्सिस को नाम दिया वीक, तो ये देखो मेरा x एक्सिस का नाम यहाँ थोड़ा कम विजिबल है, इसका नाम हो गया वीक। फिर मैंने y एक्सिस को नाम दिया ओनियन प्राइसेस रेट्स, तो ये आपका ओनियन प्राइसेस रेट्स आ गया। ठीक है, फिर मैंने अपने चार्ट को टाइटल दिया वीकली डेटा, तो ये मेरा वीकली डेटा आ गया। लेजेंड जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो मेरे प्राइसेस ऑफ द वीक इस बॉक्स में इनसाइड द ग्राफ प्रिंट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, जो मैंने लाइन का नाम दिया था वो नाम मेरा किससे प्रिंट हुआ है, लेजेंड से प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके लास्ट में मैंने क्या लिखा, शो लिखा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने ये लाइन चार्ट कवर कर दिया, मैं चार्ट्स डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, प्लॉटिंग आप सीख लेना अपने मैथ्स टीचर से, ठीक है, या जिनसे भी। मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि कोड को डिकोड करके बता दूंगी कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर आपको एक बार में ग्राफ समझ नहीं आते हैं, आप वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, मैंने बहुत प्रिसाइज मैनर में कोशिश की है कवर करने की, तो आई थिंक आपको दो तीन बार कवर करने में समझ आ जाएगा। प्लस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना चुकी हूँ सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मैं आपको उन ग्रुप्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बार ग्राफ देख लेते हैं, बार ग्राफ में क्या है, आपने लाइब्रेरी इम्पोर्ट की, यहाँ पे भी मैं दो चीज़ों, दो जो है लाइन्स प्लॉट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कलर्स जो आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं, मैंने ऐड नहीं किए हैं कलर्स, क्योंकि कलर्स आपके सिलेबस में से CBSE ने रिमूव कर दिया है, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी पहले की वीडियोस में वो कवर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एक्स और वाई मैंने लिया है, ठीक है, मैंने, अब ये बार ग्राफ है, ठीक है, तो मैंने लिखा है plt.bar,
किसको प्रिंट करना है, x को मुझे पहले लिखना है, y को मुझे बाद में लिखना है, और फिर मुझे उस लाइन का नाम भी देना है क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ। तो लेबल क्या दिया मैंने, बार्स वन, ठीक है। फिर मैंने एक्स टू लिया डेटा, वाई टू लिया डेटा, फिर पी एल टी डॉट बार किया, ठीक है। तो एक्स टू, वाई टू और फिर लेबल क्या दिया, बार टू। फिर उसके बाद दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस का नाम, वो कट करने में क्रॉप करने में कट हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस का नाम आपका एक्स है और वाई एक्सिस का नाम आपका वाई है, ये रहा, ठीक है। पी एल टी डॉट टाइटल क्या दिया मैंने, आपका बार ग्राफ। तो टाइटल आपका यहाँ शो हो रहा है, लेजेंड की वजह से आपके जो ये बार्स वन है और ये बार्स टू है वो यहाँ बॉक्स में प्रिंट हो रहा है और आपने लास्ट में लिखा है शो, ठीक है। तो बार ग्राफ के लिए कुछ नहीं करना है, आप वहां पे लिख रहे थे पी एल टी डॉट प्लॉट, यहाँ आप लिखोगे पी एल टी डॉट बार। हिस्टोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि इतना प्रीसाइज और कंसाइज मैनर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पढ़ाएगा, तो आप अगर इतना मेरे लिए कर सकते हो तो थैंक यू सो मच। और इम्पोर्ट करते हो आप, ये मैंने एक डाटा लिया है, लंबा चौड़ा डेटा है, ठीक है, देख लेना, अरेंज कर लेना। फिर उसके बाद देखो पी एल टी डॉट हिस्ट, अब यहाँ पे मुझे हिस्टोग्राम बनाना था तो उसके लिए लिखा मैंने पी एल टी डॉट हिस्ट। किसको प्लॉट करना है, एजेस को प्लॉट करना है, तो एजेस को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लेबल यूज़ किए, लेबल में मैंने लिखा एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि मेरी लाइन का नाम हो गया या फिर मैं जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसका नाम हो गया मेरा एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। पी एल टी डॉट टाइटल, पार्टिसिपेंट एजेस हिस्टोग्राम, तो आपके ग्राफ का टाइटल आ गया पार्टिसिपेंट एजेस हिस्टोग्राम। फिर पी एल टी डॉट एक्स लेबल क्या दिया है आपने, एक्स एक्सिस, तो ये रहा आपका। पी एल टी डॉट वाई लेबल आपने वाई एक्सिस दिया है, तो ये रहा आपका। फिर पी एल टी डॉट लेजेंड, लेजेंड की वजह से आपका ये एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपने यहाँ नाम दिया है एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और लास्ट में आपने लिखा है पी एल टी डॉट शो, ठीक है। तो आई थिंक अब तक आपको जितना भी मैंने समझाया सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, हिस्टोग्राम क्या होता है, क्यों होता है, आप पढ़ लेना, ठीक है। मेरा काम था आपको कोड समझाना, आई थिंक इट्स क्लियर, क्योंकि अगर मैं वो सब समझाने लग जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि बहुत बोरिंग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोज, और शेयर करना तो मत भूलना, बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना, इनबॉक्स कर सकते हो इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू, बाय बाय।